सीएम योगी ने आज स्वरोजगार योजना कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया, जिसमें एमएसएमई इकाइयों को लोन बांटे गए हैं। यूपी में स्वरोजगार योजना के तहत आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन बांटे। इसके अलावा 9 जिलों में 73.54 करोड़ की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। योगी सरकार का मकसद प्रदेश के छोटे उद्योगों के साथ लोगों को रोजगार के अवसर देना है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कामगारों और श्रमिकों को ही अब यूपी की ताकत बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि एमएसएमई सेक्टर के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। इस बीच सत्ताधारी दल बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी ने बड़ी मांग कर दी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में खुद को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने की मांग की है। निषाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी जातियों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए बीजेपी को 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो इससे चुनाव में फायदा मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। संजय निषाद ने दावा किया है कि यूपी की करीब 150 विधानसभा सीटों पर निषाद और उनकी बाकी उपजातियों का दबदबा है, यही जाति बीजेपी को जीत दिलाती है। संजय निषाद ने 16 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। बता दें कि यूपी विधानसभा में निषाद पार्टी का एक विधायक है, जबकि संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से बीजेपी के सांसद हैं। लखनऊ के वजीरगंज में बड़ा हादसा हो गया, यहां एक 3 मंजिला इमारत ढह जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। इमारत के मलबे में दबकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने आनन फानन में पुलिस को इमारत के गिरने की खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुला लिया। एसडीआरएफ ने जेसीबी से मलबे को हटाकर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। इमारत काफी जर्जर बताई जा रही है। हादसे में जान गंवाने वाला युवक अपने चाचा के साथ किराए पर रहता था, लेकिन बदकिस्मती से सोते वक्त युवक हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ में एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 8 लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई। दोस्त के घर से पार्टी करके लौट रहे युवकों की कार का संतुलन बिगड़ गया और फिर कार फिसलकर गोमती नदी में जा डूबी। इस हादसे के वक्त कार में कुल 8 लोग सवार थे। कार सवार 7 लोगों को तो घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन इस हादसे में एक शख्स का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नदी से कार को बाहर निकलवा लिया है। हादसे में लापता शख्स की लगातार तलाश की जा रही है। लापता शख्स के परिवार में मातम पसरा है।